सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वाइन बावरी और आज मैं आपको बताऊंगा इचिंग के कॉजेस के बारे में, यानी कि किन किन डिजीज में हमारे शरीर में इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है। आज का हमारा टॉपिक किन किन डिजीज में इचिंग होती है, ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शायद आपको लगता होगा कि इचिंग तो स्किन में तभी होती है जब कभी स्किन का कोई डिजीज हो, जब कभी चमड़ी का कोई दर्द हो। आप बिल्कुल सही हो, कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो, कोई भी स्किन डिजीज हो तो उसमें इचिंग होती ही है। लेकिन उसके अलावा भी इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कोई थायराइड की बीमारी है या फिर किडनी की बीमारी है। तो किसी को अगर लंबे समय से इचिंग हो रही हो तो आपको सिर्फ स्किन डिजीज के लिमिटेड ही नहीं देखना है, उसके अलावा इसके जितने भी कॉजेज हैं वो आपको रूल आउट करने हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन डिजीज में स्किन में इचिंग हो सकती है। इसके कॉजेज में सबसे पहले समझते हैं कि ऐसे कौन से स्किन के रिलेटेड डिजीज हैं जिसमें इचिंग हो सकती है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला, अगर किसी को रिंगवर्म हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए, जिसको दाग या फिर दादर भी कहा जाता है, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, अगर ये डिजीज किसी को हो जाए तो इसमें इचिंग होती है। दूसरा, एक्जिमा, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, ये स्किन के जो डिजीज होता है उसमें भी जहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वहां इचिंग होती है। फिर तीसरा स्किन का डिजीज स्केबिस, स्केबिस जिसको खुजली भी कहा जाता है, ये एक माइट से होने वाला डिजीज है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, ये हैंड के जो इंटर डिजिटल फोल्ड्स है, उंगली के बीच की जगह है, वहां ज्यादा अफेक्ट करता है और ये बहुत ही कंटेजियस है। एक बार किसी को हो जाए तो पूरे बॉडी में फैलता जाता है, पूरे बॉडी में इचिंग होना शुरू हो जाता है और ये कंटेजियस होने की वजह से एक से दूसरे में भी आसानी से फैल जाता है, एक से दूसरे में आसानी से फैलता है। ये परिस्थिति स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं या फिर हॉस्टल में जो रहते हैं तो उसको ज्यादा लागू होती है, और एक बच्चे को जब कभी ये दिक्कत हो जाए तो इसके रिलेटेड दूसरे बच्चे को भी ये बीमारी हो जाती है। तो ये हुआ स्किन का डिजीज स्केबिस, जिसमें भी इचिंग होती है। उसके अलावा अगर किसी को सोरियासिस हो जाए, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, तो ऐसे स्किन के डिजीज में भी इचिंग होती है। उसके अलावा अगर किसी को अर्टिकारिया हो जाए, अर्टिकारिया यानी कि एक टाइप की एलर्जी, अगर किसी को एलर्जी कोई मेडिसिन से हो, दवाई लेने से हो रही हो या फिर कोई फूड लेने से हो रही हो या फिर कोई केमिकल से हो रही हो, कॉन्टेक्ट से हो रही हो, तो उसमें होता ये है कि कोई भी मेडिसिन ली जाए या फिर कोई ऐसा फूड लिया जाए जिसको उसकी तासीर में नहीं आता है, तो उसकी वजह से बॉडी में रेसेस निकलते हैं जिसको अर्टिकारिया कहा जाता है और उस वक्त पर पेशेंट को इचिंग होती है। इसके अलावा अगर किसी की ड्राई स्किन हो, स्किन सूखी हो, तो उसकी वजह से भी इचिंग हो सकता है। और लास्ट, अगर किसी को एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो तो उसमें भी इचिंग होती है। ये सारे जो मैंने स्किन के रिलेटेड डिजीज बताए ये बहुत ही कॉमन है, और आप समझ भी सकते हो कि जब कभी स्किन का कोई डिजीज हो, अगर आप बाहर से ना पहचान सको कि ये कौन सा डिजीज है, लेकिन स्किन में कुछ एबनॉर्मलिटी हो, कोई डिजीज निकला हो, तो उस पर से आप बिल्कुल समझ सकते हो कि ऐसे डिजीज में इचिंग हो सकती है। ये बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे कॉजेज हैं जो आपको रूल आउट करने हैं। अगर किसी को बाहर से कोई स्किन का डिजीज ना दिख रहा हो और उसके बावजूद अगर उसको इचिंग हो रही हो, तो आपको यहां तक पहुंचना है, उसके सारे कॉजेज है वो रूल आउट करना है। भले ही कोई सामान्य हो, लेकिन आपको इसके सारे जो कॉजेज है वो रूल आउट करने हैं। तो अब हम समझते हैं कि इसके और कैसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में इचिंग हो सकती है। तो अदर कॉजेज में लेते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज हो तो उसकी वजह से भी इचिंग हो सकती है। किसी को लंबे समय से इचिंग हो रही हो और वो एलर्जी की गोली खाए उसे आराम भी मिलता हो, लेकिन इसका कॉज डायबिटीज भी हो सकता है। इसलिए आपको किसी को लंबे समय से इचिंग हो रही हो ऐसा पेशेंट मिले या फिर ऐसी किसी को तकलीफ हो तो आपको शुगर लेवल चेक करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी को थायराइड की बीमारी हो, हाइपोथायराइड हो, तो उसमें भी ये चीज हो सकती है। तीसरा, किसी को लिवर डिजीज हो, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पीलिया हो या फिर प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, सिरोसिस यानी जिसमें लीवर डैमेज हो जाता है, तो ऐसी लीवर की परिस्थिति में, ऐसे लीवर के डिजीज में भी हमारे बॉडी में इचिंग होती है। उसके अलावा जब किडनी के रिलेटेड कोई डिजीज हो, जैसे कि क्रोनिक
फेलियर, तो वो परिस्थिति में भी इचिंग होती है। ये आपने सारे कॉजेस समझे। उसके अलावा ब्लड के रिलेटेड कोई डिजीज हो जैसे कि कैंसर, तो उसमें भी इचिंग हो सकता है। उसके अलग अलग कैंसर के नाम है जैसे कि पॉलीसाइथेमिया वेरा, जिसमें हमारे खून के जो रेड सेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, इसमें भी हो सकता है। हॉडगकिन डिजीज हो, माइलोमा हो, तो ये सारे कैंसर्स में हमारे शरीर में इचिंग हो सकती है। उसके अलावा इसके कोज में हुकवॉर्म का इन्फेक्शन लग जाए। हुकवॉर्म ये जब हम खुले पेट से चल रहे हो और अगर जमीन में इसका इन्फेक्शन हो तो हमारे पेट से वो अंदर की तरफ आ जाता है, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो ऐसा उसका जो डिजीज है वो दिखता है। और ये डिजीज में भी ये चमड़ी के दर्द से बिल्कुल अलग है, और वो आपको बिल्कुल समझना है यहाँ कि ये हुकवॉर्म के इन्फेक्शन में ऐसा जो डिजीज आपको जहां इमेज में देख रहा है, ये डिजीज में भी इचिंग होती है और उसका रीजन हुकवॉर्म है। और लास्ट, प्रेगनेंसी के टाइम पर भी हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से इचिंग हो सकती है। मैंने आपको कहा था कि आज का वीडियो हमारा बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। जब कभी किसी को इचिंग हो रही हो तो उससे वो बहुत ही परेशान होता है, और स्किन के रिलेटेड डिजीज है तो उसकी दवाई हो सकती है, लेकिन इसके अलावा ये सारे इसके अदर कॉजेज है वो आपको रूल आउट करने हैं। होप यू वुड लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए, और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।